Yes, good afternoon students. Once again, welcome on my YouTube channel Success Coaching Center. आज हम लोग कल जो टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा था इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश, उसी के बेस पर उसी कंटिन्यूटी में चलते हुए आज मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कराऊंगा कि कल जो टॉपिक हमने पढ़ा उसको हम लोग एज ए प्रैक्टिकल क्वेश्चन कैसे सोल्व करेंगे। टेंस लेवल की बुक के अंदर इलस्ट्रेशन 34 है, वो मैं आप लोगों को सोल्व करवाऊंगा, जिसमें दो केसेस आपको दे रखे हैं। एक में एक सिंगल असेट को परचेज किया है जिसके बदले में शेयर्स को इश्यू कर रहे हैं, और एक केस में दिया हुआ है मल्टीपल असेट परचेज कर रहे हैं जिसके बदले में कुछ पार्ट कैश में कन्वर्ट कर रहे हैं और कुछ पार्ट के लिए हम लोग शेयर्स को इश्यू कर रहे हैं। ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन जो है वो है गोपाल लिमिटेड की। गोपाल लिमिटेड ने मैसेस फर्नीचर मार्ट से एक फर्नीचर परचेज किया 2,50,000 का और उनको शेयर्स इश्यू करे 25% प्रीमियम के साथ। सेकंड केस में लिखा हुआ है अमल लिमिटेड से एक बिजनेस परचेज किया 15 लाख रुपीज में, जिसमें 12 लाख शेयर्स के फॉर्म में कर रहे हैं, बाकी आप ऐसा कैश में देंगे। क्या क्या एसेट परचेज की वो भी डिटेल आपको दे रखी है। क्लियर? सबसे पहले स्टूडेंट, जब भी आपको एग्जाम में क्वेश्चंस करो तो प्रॉपर फॉर्मेट बनाया करना, भले वो एक लाइन हो या दो लाइन, बिकॉज फॉर्मेट के मार्क्स मिलते हैं और ये प्रेजेंटेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यस। इलस्ट्रेशन 34, यस, दैट इज गोपाल इन द बुक्स ऑफ Gopal Limited. Yes. सबसे पहला जो फर्नीचर परचेज किया, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू वेंडर, वेंडर कौन है? MS फर्नीचर मार्क, MS फर्नीचर मार्क। ठीक है, कितने का परचेज किया इन्होंने? दैट इज 2,50,000। बीइंग फर्नीचर परचेज, यस, और उसकी डेट भी दी हुई है, डेट नहीं दी हुई है। ठीक है, और 2,50,000। अब क्या कर रहे हैं हम लोग? शेयर्स को परचेस कर रहे हैं। ठीक है, मतलब शेयर्स इश्यू कर रहे हैं, क्या आएगा आपका? एमएस फर्नीचर मार्ट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल एंड टू सिक्योरिटी प्रीमियम। ठीक है, बीइंग शेयर्स इश्यूड, मैसेज फर्नीचर मार्ट डीआर। क्लियर? यहां पर मैसेज फर्नीचर मार्ट डीआर टू शेयर कैपिटल, और क्लियरली लिखा हुआ इक्विटी शेयर कैपिटल, हम लोग इक्विटी भी लिखेंगे यहां पर, इक्विटी कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। तब यहां पर देखना होगा नंबर ऑफ शेयर्स की कैलकुलेशन कैसे होने वाली है। नंबर ऑफ शेयर्स दैट इज परचेज प्राइस अपॉन इश्यू प्राइस, परचेज प्राइस अपॉन इश्यू प्राइस। क्लियर? यस। परचेज प्राइस कितने? 2,50,000। इश्यू प्राइस 10 + 2.5, बिकॉज 10 पे 25% क्या है आपका? प्रीमियम है। क्या है आपका? प्रीमियम। तो ये जो नंबर ऑफ शेयर्स आपके आ जाएंगे वो आ जाएंगे आपके 20,000 शेयर्स। कितना आ जाएंगे? 20,000 शेयर। तो कैपिटल में ऑलवेज फेस वैल्यू आती है 2,00,000 रुपीज, प्रीमियम में आपका आ जाएगा 50,000 रुपए, ₹10 के हिसाब से टोटल कितना? 2,50,000। क्लियर? कि जैसे आपको प्रीमियम आएगा आपके नंबर ऑफ शेयर्स क्या होते हैं? कम हो जाते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। तो फर्स्ट एंट्री फर्नीचर को परचेस करने की, और सेकंड एंट्री फर्नीचर के बदले में हम लोग क्या दे रहे हैं? शेयर कैपिटल दे रहे हैं प्रीमियम के साथ, जिसको हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, और कैलकुलेशन में नंबर ऑफ शेयर्स इज इक्वल टू परचेस प्राइस अपॉन इश्यू प्राइस। ठीक है, इश्यू प्राइस में अगर प्रीमियम है तो प्रीमियम ऐड हो जाता है, डिस्काउंट तो डिस्काउंट माइनस हो जाता है, और फेस वैल्यू है तो फेस वैल्यू ही रह जाती है। ये आपको पता ही है ना, प्रीमियम से ऑलवेज नंबर ऑफ शेयर्स क्या होते हैं? कम हो जाते हैं। व्हाट इट, ये आपका फर्स्ट केस हो गया। अब अपन सेकंड केस की बात करते हैं। केस नंबर 2 में मैं सीधा करा रहा हूं आपको, वैसे ही वो फॉर्मेट बना के करना है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है प्लांट परचेस किया, स्टॉक और लैंड बिल्डिंग, ये तीन चीज परचेस की है। प्लांट अकाउंट डेबिट, उसके बाद प्लांट के बाद है स्टॉक अकाउंट डेबिट,
स्टॉक अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, देन उसके बाद आएगा आपका, बस ये हो गया, देन टू क्रिएटर अकाउंट, प्लांट है 3,50,000 का, स्टॉक है आपका 50,000 का, स्टॉक सॉरी 450 का है और लैंड बिल्डिंग 6 लाख का है। यस क्लियर। और ये आपका है 1 लाख का। एंड टू वेंडर में इन्होंने क्लियरली लिखा हुआ है वेंडर अकाउंट 15 लाख, तो 16 लाख आपका क्रेडिट और डेबिट में हो रहा है आपका, कितना 14 लाख। दैट मीन जो 2 लाख है उसको हम लोग क्या लिखेंगे, गुडविल। बिकॉज मैंने आपको कहा था कि अगर डेबिट साइड कम है तो वो आपका गुडविल कहलाएगा और क्रेडिट साइड कम है तो आपका कैपिटल रिजर्व कहलाएगा। तो यहाँ पे क्लियर है, आप डेबिट साइड जो है वो क्या हो रही है, कम आ रही है। बिकॉज क्रेडिटर 1 लाख और वेंडर में 15 लाख से डिसाइड हुआ था, असेट परचेज करने के बाद भी गैप आ रहा है, तो वो जो गैप है वो 2 लाख रुपीज का है और वो 2 लाख रुपीज हम लोग क्या मानेंगे उसको, 2 लाख रुपीज को, दैट इज गुडविल। एंड देन सेकंड एंट्री बनेगी वेंडर को हम लोग क्या देंगे, शेयर्स दे रहे हैं, वेंडर्स अकाउंट, वेंडर अकाउंट दिया टू शेयर कैपिटल और उनको हम लोग शेयर्स दे रहे हैं, शेयर कैपिटल अकाउंट, दैट इज इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, दैट इज 15 लाख। सॉरी उसमें लिखा हुआ है कुछ पार्ट कैश में दे रहे हैं, ये भी लिखा हुआ है, तो बैंक अकाउंट, तो 3 लाख आपका कोई कैश में जा रहा है, चेक में जा रहा है, 12 लाख जो है आपका कैपिटल में जाएगा, क्योंकि शेयर इश्यू में टोटल मिला कितना हो गया, 15 लाख रुपीज हो गया। क्लियर। तो फर्स्ट एंट्री क्या है, यहाँ पर फर्स्ट एंट्री जो है आपका वो है असेट हमने परचेज किया, वेंडर कौन है, अमन लिमिटेड है, अमन लिमिटेड। क्लियर। तो अमन लिमिटेड परचेज किया 15 लाख में, पर डिफरेंस आ रहा था डेबिट कम है इसलिए हम लोगों ने गुडविल लिखा था। और सेकंड में हम लोग क्या करें, अमन लिमिटेड को शेयर्स देने, तो यहां आ जाएगा अमन लिमिटेड, अमन लिमिटेड यानी अमन लिमिटेड डीआर टू इक्विटी शेयर कैपिटल एंड टू बैंक, तो लिखा हुआ है कुछ पेमेंट जो है वो हम लोग 3 लाख रुपीज जो है वो हम लोगों का पेमेंट हो जाएगा बैंक ड्राफ्ट के रूप में, किस किस फॉर्म में, बैंक ड्राफ्ट, और जब बैंक ड्राफ्ट के रूप में पेमेंट करें इसलिए हम लोगों ने बैंक लिखा है। क्लियर बच्चों, दोनों केस, पहले केस में क्या हुआ, सिंगल असेट परचेज हो रही है, शेयर्स को प्रीमियम पे इशू किए थे तो प्रीमियम की रिकॉर्डिंग हुई। सेकंड केस में हम लोग बिजनेस परचेज करें जिसमें जो डिफरेंस आ रहा है असेट्स हम लोग डेबिट साइड का उसको हम लोग गुडविल मान के देंगे, और फिर जब भी वो वेंडर को जो पेमेंट देना अनलिमिटेड हो उसके लिए क्लियरली लिखा हुआ है कि 3 लाख रुपीज का कैश पेमेंट करेंगे और बाकी का हम लोग शेयर्स दे देंगे। तो इस तरह से क्वेश्चन हमारा सॉल्व हुआ। ठीक है बच्चों, आज की क्लास हम लोग यही ओवर करते हैं। वन सेकेंड आपको रिमाइंड कर दूं, हमारे सक्सेसफुल सर्टिफिकेट के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ साथ में बेल आइकन दबाएं ताकि समय समय पर आपको नए नए वीडियोस मिलते रहें। और अगर किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, किसी टॉपिक में आपको प्रॉब्लम है, दोबारा समझना है, आप मुझे कमेंट करें, मैं नया वीडियो आपके लिए लेकर आऊंगा। विद दैट थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस।